दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये पूरा ठीकरा दिल्ली की सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवरों के ऊपर फोड़ दिया। सर्दियों में उनके हाथ सेकने से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसा कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। वाह, अरविंद केजरीवाल पहले तो पंजाब को जिम्मेदार बताया करते थे, लेकिन अब पंजाब में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आखिरकार वो अपनी पार्टी को कैसे नहीं बचाएंगे, वही बचाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है सर्दियों में, तो उसको लेकर बता दिया कि दिल्ली में हाथ सेकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड जो आग जलाते हैं और जो ड्राइवर हैं वो जिम्मेदार है। एक बार आपको उनका बयान सुनाते हैं, आप खुद सुनिए कि किस तरीके से वो दिल्ली के सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवरों को जिम्मेदार समझ रहे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सर्दियों के महीने में ज्यादा, ये बायोमास बर्निंग क्या है? ये वही है ना जो सिक्योरिटी गार्ड रात को अपना थोड़ा सा वो आग लगा के, ये हमने देखा, ये हमारे लिए भी बड़ा, मैंने दिसंबर में भी मैंने जब शर्मा जी की टीम से प्रेजेंटेशन लिया था तो देखने को मिला कि इसकी क्वांटिटी सर्दियों के महीने में काफ़ी ज़्यादा है। रात को जब सिक्योरिटी वाला या ड्राइवर या लोग जो अपने थोड़ी सी आग लगा के वो, ये इतनी ज़्यादा है दिल्ली के अंदर कि ऑलमोस्ट 1/4 1/5 पोल्यूशन जो है दिल्ली के, तो ये सारा धुआं उड़ता है और चूंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो वो सारा धुआं जो है दिल्ली के अंदर गैस के रूप में, गैस चैम्बर के रूप में बन के रह जाता है।